हर खुशी का ख्याल रखें, तो बताओ अच्छे पति की पहचान क्या है जो पत्नी के खुशी का ख्याल रखे? अच्छे पति की पहचान क्या है जो पत्नी की खुशी का, और अच्छी पत्नी की जो पति के खुशी का ख्याल, खुशी का ख्याल रखो, खुश रखो। और ये खुश कैसे रखेंगे? आप अपने पति से खूब प्यार करो। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने पति से प्यार बहुत करो, लेकिन आप पति की बात बिल्कुल ना मानो, आप पति का कहा बिल्कुल ना सुनो, तो पति से फिर आप कितना भी आई लव यू कहो, वो कहेगा कि तुम सुनती तो हो नहीं, फिर वो आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा। ये प्यार व्यार ना संसार के लोग नहीं समझते, आप करते जरूर हैं, आप चाहते हैं कि मैं प्यार करूं तो सामने वाला भी प्यार करे, समझते ही नहीं, ये है ही नहीं इंसानों में। प्रेम को समझने की काबिलियत, प्रेम को समझना केवल भगवान जानते हैं। प्रेम को समझ, प्रेम का मूल्य भगवान चुका सकते हैं, इंसान के बस का नहीं है। उदाहरण देखो, माँ करती तो है अपने बच्चों से प्यार, पेट भरवा के बैठी रहती, बच्चे का मलमूत्र धोती है, क्या नहीं करती। बाद में वही बच्चे बड़े होकर क्या बोलते हैं माँ से, बाप से, तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। बच्चे अपने माँ बाप से, कुछ बच्चे ऐसा बोल देते हैं कि तुमने हमारे लिए क्या किया है। अब बताओ, किया तो आप लोगों ने प्यार, क्या मिला, क्या मिला, यही मिला। आप अपने पति से प्यार करती तो हो इतना सारा, पर पति क्या बोलता है, तुम तो घर में बैठी रहती हो, कुछ करती तो हो नहीं। आप गलत व्यक्ति से प्रेम कर रहे हैं, ना बच्चों से, ना परिवार से, ना शरीर से, ना पैसों से। पैसों से प्यार नहीं होना चाहिए, पैसा तो व्यवस्था का है, व्यवस्था के लिए होता है। प्रेम किससे करेंगे? सिर्फ भगवान से। भगवान से प्रेम करिए। क्या करेंगे भगवान से? जोर से। और पति से, पुत्र से, बच्चों को अच्छा पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ, संस्कार दो। प्यार क्यों करना है ये बताओ। पति से बढ़िया खुश रहो, खुश रखो, प्यार क्यों करना है। प्रेम के योग भगवान, इसलिए गोपियों ने प्रेम किससे किया, भरत जी ने प्रेम किससे किया, हनुमान जी ने प्रेम किससे किया, मीराबाई ने प्रेम किससे किया, सूरदास जी, कबीरदास जी, रैदास जी, रसखान, इन्होंने किससे प्यार किया। आप लोगों की तरह वो संसार से प्रेम ना करते फिरे, आप करते हो प्यार, करते रहो। तुम्हारे बाप दादे भी तो मर गए प्रेम कर करके, संसार से क्या पा लिया बताओ, क्या मिला उन्हें। मर तो गए तुम्हारी पीढ़ी में, ना जाने सैकड़ों लोग मर गए, सब प्यार करके कर तो मरे हैं, कर करके क्या पा गए। जो मीरा पा गई वो तुम्हारी सास पा गई हो तो बताओ, बोलो भाई। जो मीरा पा गई वो तुम्हारी सास पा गई, क्यों? क्योंकि सास जगत से प्यार करती रही और मीरा ने जगन्नाथ से प्यार कर लिया। आप करते रहो जगत से प्यार, तो करते रहो, करो, क्या बुराई है, क्या पाओगे ये तो बताओ, उसका फल क्या है। जिस पेड़ में फल लगते हैं वो पेड़ कीमती होता है, इसलिए आप संसार से प्यार करते हैं उसका क्या फल है। सुदामा ने प्रेम भगवान से किया और चाहा कुछ नहीं। देखो तुम्हारे ससुर तो पूरे परिवार से प्यार करते हैं, क्या पा गए वो, और सुदामा ने भगवान से किया, तो देख लो दोनों में क्या अंतर है। इसलिए समझो ये आपके लिए है,
अब आपको निर्णय लेना है कि आप जगत से प्यार कर रहे हैं या भगवान से कर या करेंगे, आपकी इच्छा। भगवान को क्या पसंद है? प्रेम। भगवान को क्या चाहिए? जोर से। भगवान ये नहीं कहते कि तुम मेरी पूजा करो, भगवान ये कहते हैं तुम मेरे से जोर से प्रेम करो। आप पूजा करते हैं भगवान की और प्रेम करते हैं संसार से। आप जितना प्रेम संसार से करते हैं इतना भगवान से करते तो कल्याण हो जाता, लेकिन आप प्रेम भगवान से नहीं करते, पूजा भगवान की करते। पूजा से क्या होगा? पूजा अलग है, प्रेम अलग है। यदि प्रेम में पूजा है, पूजा प्रेम से की गई है, तब तो वो पूजा स्वीकार है। और अकेली पूजा है और प्रेम तो है ही नहीं, तो पूजा बिना प्रेम की अधूरी। अच्छा ये बताओ, जलेबी मीठी होती है या नहीं? हाँ या ना? जोर से हाँ या ना? ना। यही तो नहीं समझ पाए आप लोग आज तक। जलेबी मीठी नहीं होती, चाशनी मीठी होती। यदि जलेबी को चाशनी में ना डुबाया जाए तो जलेबी की क्या हैसियत के वो मीठी हो जाए? क्या वो जलेबी खाने योग्य है जो चाशनी में नहीं डूबी? उसी प्रकार पूजा है जलेबी और प्रेम है चाशनी। जब तक पूजा को प्रेम की चाशनी में नहीं डुबाओगे तब तक वह पूजा भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। खोरी पूजा भगवान स्वीकार नहीं करते। पूजा तब स्वीकार होगी जब पूजा में क्या हो? प्रेम हो। और प्रेम क्या है? निष्काम, जहां कोई कामना ना हो। प्रेम की परिभाषा क्या है? बोले शून्य को प्रेम कहते हैं, कोई कामना ना। मैं आपसे प्रेम करता हूं पर आपसे कुछ चाहता नहीं, ये प्रेम है। इसलिए आपका पति आपसे प्रेम करता है तो आपसे कुछ चाहता है, इसलिए उसके प्रेम में स्वार्थ है। और जहां स्वार्थ है वो प्रेम है ही नहीं। इसलिए कहता हूं संसार में प्रेम है ही नहीं, आप मानो ना मानो, क्योंकि संसार में हर व्यक्ति आपसे कुछ ना कुछ चाह रहा है। इसलिए प्रेम करो ही मत संसार से, अच्छा व्यवहार करो। अच्छे व्यवहार से आपकी जिंदगी गुजर जाएगी। आप वृंदावन आए, मैंने आपके साथ क्या किया? प्रेम किया कि अच्छा व्यवहार किया? मैंने केवल आप लोगों के साथ अच्छा व्यवहार किया, मैं आपके साथ प्रेम नहीं करता आपसे। क्यों? क्योंकि प्रेम भगवान से करता हूं। भगवान ही प्रेम के योग्य हैं। ना आप प्रेम के योग्य हैं, ना हम प्रेम के योग्य हैं। ना आप हमसे प्रेम करो, ना हम आपसे प्रेम। हम आपसे अच्छा व्यवहार करें, आप हमसे अच्छा व्यवहार करो। इंसानों के बीच में क्या हो? अच्छा व्यवहार। लोग क्या कहते हैं? लोग क्या कहते हैं? अरे हम फलाने के घर गए थे, उनका व्यवहार अच्छा नहीं था। क्यों जी, क्या कह रहे? ऐसे नहीं कहते हैं। या लोग हम फलाने के घर गए थे, उनका व्यवहार बहुत अच्छा था। क्या था? हर व्यक्ति आपका व्यवहार देखता है, लेकिन आप जबरदस्ती प्रेम करते हैं। अब प्रेम तो फिर संसार का प्रेम ना सड़ान मारता है, सड़ा हुआ है सांसारिक प्रेम। क्यों संसार का प्रेम सड़ा हुआ क्यों है बताओ? क्योंकि संसार के प्रेम को, जिसे आप प्रेम कहते हो ना, एक लड़का बोला एक लड़की से आई लव यू, मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूं, है ना? वो लड़का बोला महाराज मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूं। मैंने कहा कर लो। मैंने कहा तो फिर माँ बाप तैयार हैं? बोले माँ बाप तैयार नहीं। मैंने कहा तो फिर माँ बाप का क्या होगा जब तैयार नहीं है? तो लड़के ने बोला मैं अपने माँ बाप को छोड़ दूंगा। अब जो लड़का कहता है कि मैं इस लड़की के लिए अपने माँ बाप को छोड़ दूंगा, वो क्या कहता है? मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ। मैंने पूछा ये लड़की तुझे कब मिली? बोले 4 साल पहले कॉलेज में मिली। मैंने कहा 4 साल से जो तेरे संग है उससे तू इतना प्यार करता है, और तेरे माँ बाप तेरे 20-25 साल से तेरे साथ हैं, तो उनसे प्यार नहीं कर पाया जिसने तेरा मलमूत्र धोया, जिस माने तुझे पेट में रखा है। अब ये बताओ, ये जो संसार से कह रहा मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ, ये प्यार है? ये सड़ान मारने वाला प्यार है, मतलब
स्वार्थ, केवल वासना है, प्यार नहीं, हवस है, शारीरिक भूख है। उस शारीरिक भूख को प्यार नाम देते हैं ताकि हमारी वासना ढक जाए प्यार से। वो अपनी वासना को ढकना चाहते हैं। अब आप और कितने स्पष्टता से मैं आपको समझाऊं, समझ में आ गई कि और समझाऊं अभी? तो बताओ भगवान से क्या करोगे? जोर से, अकेली कोरी पूजा ना करना। जो आप पूजा करते हो, जल चढ़ाते हो, चढ़ाओ। कौन सा जल चढ़ाना चाहिए भगवान को? पानी नहाना, पानी क्या चढ़ाना है, नेत्रों का जल चढ़ाओ। भगवान के प्रेम में इतना आंसू हो, भगवत प्रेम में आंसू बहे, वो चढ़े भगवान में। सुदामा के प्रेम में भगवान ने चरण धोए ना आंसुओं से, सुदामा के चरण काहे से धोए भगवान? नेत्रों के जल से। यदि भगवान भक्त के चरण आंसुओं से पखार सकते हैं, तो भगवान भक्त के चरण, भक्त भगवान के चरण आंसुओं से क्यों नहीं पखार सकता? जल से क्यों नहवाना? प्रेम के एक दो बूंद आंसू क्यों नहीं गिराते? पूजा नहीं मेरी माँ, प्रेम। अकेली पूजा अकेली जलेबी की तरह है, बिना चाशनी की। अब आप करो, हमने देखो सारी चीजें बता दी। अब आप यहाँ से जाने के बाद घर में बैठ के निर्णय लेना कि अब क्या करें और क्या ना करें, ठीक है? हमारी हर बात सूत्रात्मक है, अभी हर बात का विस्तार करेंगे तो समझ, टाइम नहीं है अब इतना ज्यादा। तो भगवान आपके प्रेम के भूखे हैं। शबरी का क्या स्वीकार किया भगवान ने? झूठे बेर, अरे बेरों की क्या कीमत थी? बेर नहीं, प्रेम। शबरी का क्या स्वीकार किया? प्रेम। सुदामा के चावल, चावल की क्या कीमत थी? क्या स्वीकार किया? प्रेम। विदुरानी के छिलके, छिलकों की क्या कीमत है? क्या स्वीकार किया? प्रेम। भगवान क्या स्वीकार करते हैं? और दुर्योधन ने 56 भोग परोसा, खाए क्या? नहीं। जहां प्रेम नहीं होता ना, वहां के 56 भोग भी नहीं खाते, और जहां प्रेम होता है वहां के छिलके भी खा लेते हैं। देख लो, इतना प्रेम भगवान से हो कि आंखों में आंसू आए। प्रेम, गोपियां रोती हैं, भरत जी रोते हैं। ये रोना ही भक्तों की पहचान किससे करेंगे? आंखों के जल से। यदि भगवान की पूजा में, और भगवान की पूजा करना और बीच में कोई स्वार्थ ना हो कि हे भगवान ये दे दो ना, क्या मांगना, क्या मांगना, क्या नहीं है आपके पास, जरा बताओ क्या नहीं है? आप लोग ना, आदत हो गई आप लोगों को रोने की, हमेशा ही रोते रहते हैं आप लोग, हे भगवान ये नहीं है, ये नहीं है। अरे रोना क्यों है भाई? जो नहीं है उसके लिए क्यों रोना? जो है उसका धन्यवाद क्यों नहीं देना ईश्वर का? उसमें प्रसन्न क्यों नहीं रहना? और कमियां तो पूरी कभी ना होंगी आपकी, कितना भी आपको मिल जाए, हो जाएंगी क्या कमियां पूरी? हो जाएंगी? किसी की हुई? रावण की लंका सोने की थी, लेकिन उसके भी इच्छाएं पूरी ना हो पाई, तुम्हारी क्या होगी? इसलिए इच्छाओं को कम करो। जो है, बहू के बेटी, बेटी है, बेटा नहीं है, अब रोए महाराज बेटा नहीं है। जो दिया वो खुश रहो ना, खुश रहो। जो नहीं है खुश रहो। भगवान ने जो दिया है बहुत दिया, क्या चाहिए? और फिर इच्छाओं का क्या, कौन सुखी है संसार में? ढूंढो जरा, दिया जलाओ और ढूंढो दिया जला के पूरी दुनिया में, पूछो एक आदमी को लेके आओ जो कह सके कि मैं सुखी हूं। सुखी वही हो सकता है जिसके अंदर कोई इच्छा नहीं, वरना आप घूम लो जगत में, घूम लो जाओ। आपके अगल बगल में कोई सुखी है क्या? जिनके करोड़पति जो लोग हैं, महलों में रहते हैं, 10-10 गाड़ियां हैं, उनसे भी पूछना, वो भी कहेंगे कि हम दुखी, और रिक्शा चलाने वाला भी कहेगा हम दुखी। सुखी वही हो सकता है जिसकी कामनाएं खत्म हो, अब कोई इच्छा नहीं। अब तो भगवान भी आए और कहे अनिरुद्धाचार बोल तुझे क्या चाहिए, तो ये अनिरुद्धाचार यही कहेगा कि हे प्रभु अपने चरणों की भक्ति
हर श्वास में मैं केवल आपका चिंतन करूं और मेरी आंख केवल आपके याद में रोए, बस ये चाहिए और कुछ नहीं। आपसे क्या चाहिए? हे प्रभु, आपके चरणों का चिंतन चाहिए। आहर निसहर पर मेरे दिल में जैसे धड़कता है ना दिल, हर धड़कन में केवल आपको याद करूं बस। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं। हे नाथ, मैं आपको कभी, ये भगवान